यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, हमने सीजर गियर के टाइमिंग फिट कर ली है और इसमें एक वाशर लगा देते हैं। इसमें वाशर लग गया है और यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, इसका क्लच हाउसिंग में जो पतला पतला प्रेशर प्लेट होता है उसको भी दोनों को हमने लगा लिए हैं और एक हाफ क्लच क्लच प्लेट को भी लगा लिए हैं। इसके बाद एक प्रेशर प्लेट को इसमें हम डालेंगे, इसके बाद फिर हम क्लच प्लेट को लगा लेंगे। तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि पल्सर 150 सीसी बाइक है, आज हम इसका क्लच प्लेट चेंज करने वाले हैं, तो इसी के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये सीजर गियर है और इसका टाइमिंग हम फिटिंग करने वाले हैं। तो ये टाइमिंग कैसा इसका फिट किया जाता है तो आपको हम दिखलाते हैं। तो सबसे पहले सीजर गियर को चार दांत लेफ्ट और राइट दोनों को चार दांत घुमाएंगे और इसका टाइमिंग हम देख रहे हैं दोस्तों। इसको टाइमिंग हम फिट कर लिए हैं और इसमें एक वाशर लगा के कस लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं बैलेंसर है, मेरा बैलेंसर का टाइमिंग पूरा परफेक्ट है और हम सीजर गियर के यहाँ पर देख रहे हैं इसको हम लगा दिए हैं। उसके बाद क्लच हाउसिंग को हम लगाएंगे इस तरह से, हैंड पंप को थोड़ा घुमा कर लगाएं ताकि ये प्रॉपर बैठ जाए। प्रॉपर हमारा ये बैठ चुका है, इसमें एक वाशर लगा लेंगे हम। उसके बाद हम क्लच हाउसिंग यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें दो पतला प्रेशर प्लेट होता है, उसके बाद एक हाफ क्लच प्लेट मिलेगा आपको, लगा देंगे हाफ क्लच प्लेट। उसके बाद प्रेशर प्लेट को लगा देंगे, इसके बाद एक और क्लच प्लेट को लगाएंगे और फिर हम प्रेशर प्लेट को लगा लेते हैं और एक क्लच प्लेट को लगा लेते हैं और एक प्रेशर प्लेट को लगा लेंगे। इसके बाद क्लच प्लेट लगा लिए हैं, इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं क्लच सेंटर जो मेरा होता है उसको भी हम लगा लिए हैं, यहाँ पर प्रॉपर बैठ चुका है। अब इसको क्लच हाउसिंग में हम लगाएंगे, इसको घुमा घुमा कर लगाना पड़ेगा तभी ये प्रॉपर बैठेगा। इस तरह से देख रहे हैं ये प्रॉपर हमारा ये क्लच प्लेट बैठ चुका है और इसमें एक वाशर लगता है तो वाशर को हम इस तरह से लगा देंगे और ये हमारा नट हो गया, 19 नंबर का नट आता है, इसको मस्त टाइट कर लिए हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं इसमें 5 स्प्रिंग लगता है, क्लच स्प्रिंग को हम 5ों को लगा लिए हैं और ये देख रहे हैं क्लच सेंटर प्लेट जो होता है मेरा, सेंटर प्लेट का जो नोट होता है उसको हम लगाएंगे और इसको बराबर हम टाइट करेंगे ताकि आउट टाइट होगा तो ये टूट भी जाता है, इसलिए इसको बराबर हमको टाइट करना पड़ेगा। देख रहे हैं प्रॉपर है, मैंने इसको टाइट कर लिए हैं। अब इस फ्लाईव्हील को हम लगाएंगे और इसमें एक वाशर लगाएंगे इस तरह से और इसमें 19 नंबर का कॉट वाला जो नोट होता है मेरा उसको लगा लिए हैं और इसको टाइट कर लेते हैं इसको अच्छी तरह से। हमने टाइट कर लिए हैं, इसके बाद फ्लाईव्हील प्लेट को लगाएंगे और इसमें 3 स्क्रू रहता है, 3 स्क्रू को बराबर कस लेते हैं। इस तरह से प्रॉपर हमने इसको टाइट कर लिए हैं। अब मेरा जो बैरिंग होता है क्लच बैरिंग इसको हम लगाएंगे और एक वाशर होता है सीजर गियर में इसको भी लगाएंगे और इसका ये हो गया सीजर गियर का बैक कवर होता है उसको हम लगाएंगे, ये प्लेट मेरा बोलता है इसको, इसमें 3-8 नंबर का बोल्ट लगेगा। इसको प्रॉपर हम टाइट कर लिए हैं, इसके बाद क्लच कवर को हम थोड़ा ग्रीस लगा लेंगे इसका चैम्बर में और इसका पैकिंग हम इस तरह से लगा लेते हैं ताकि ये प्रॉपर बैठ जाए।
ताकि आयल ऑयल कहीं से लीकेज ना करे हमारा। इसको अच्छी तरह से हम बैठाएंगे इस तरह से। प्रॉपर हमारा क्लच कवर बैठ चुका है। अब सारे बोल्ट को हम एक बराबर टाइट कर लेंगे। देख रहे दोस्तों, इसमें 8 नंबर का बोल्ट होता है और सारे बोल्ट को हम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। वीडियो हमारा ये अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दिएगा और मेरे चैनल पर नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद देख रहे हैं सेल्फ का बैक कवर होता है, इसको भी हम टाइट कर लिए हैं। उसके बाद किक्स आपको लगाएंगे। देख रहे हैं दोस्तों, किक्स को हमने अच्छी तरह से टाइट कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।